24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। किलियो सर, इस एक घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद हो, चाहे जिम चले जाओ एक घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो, कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। कुछ दिनों में आप लोग को ऐसा खुद ही फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस रहना और रूटीन को बनाए रखना। तो भैया देर किस बात की है, हेल्थ के गोल्स को बनाओ एंड गेट मूविंग। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चलना ही है यार। जो आप वैसे भी घर पे होते हो तो चलते ही हो, बाहर निकलो, लो चलो गार्डन में जाओ, पत्नी के साथ घूमो, वॉक पे जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, है? मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप लोगों को एक गोल बना लेना चाहिए। सबको हिंदुस्तान में, मैं सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना है दिन में। 10,000 कदम आप लोगों ने चलने हैं। स्टेप काउंट को मेजर करने के लिए गोकी ने जो लिमिटेड एडिशन फिट इंडिया ट्रैकर भी लॉन्च किया है, उसका इस्तेमाल करो, वो आपको बताएगा कि आप कितने कदम चल रहे हो। हाँ, हो सकता है कभी आप बीमार हो, मुझे पता, किसी ने ये भी पूछना है कि अगर मैं बीमार हूं तो क्या। ठीक है, आज अगर 2,000 कदम ही चले तो 8,000 रहेगा ना, जब ठीक हो जाए तो 18 कर लेना, करते रहना। 10,000 कदम तो चलना ही है। खाने पे कंट्रोल हो गई बात, वॉक पे हो गए बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक्सरसाइज के साथ उसके हैंड टू हैंड जाता है, वो सही डाइट मेंटेन रखना। आपको बताऊं, अनहेल्दी फूड डिस्काउंट से जो डिस्ट्रैक्ट होना पर बहुत, मतलब बहुत ही आसान है, बट आपके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बनाओ यार। मैं आज भी आपको बताऊं, फिल्म की शूटिंग पे रोज जाता हूं, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं, घर का डब्बा लेके जाता हूं। कितना भी लोग, कभी कभी हीरोइन बोलती है या कोई और बोलता है, यार तू घर से डब्बा लेके आता है। हाँ भैया, मैं घर से ही डब्बा लेके आता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जब, मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं थे घर से, मतलब नहीं ला पाता था कभी कभी कुछ, तो मैं पता क्या करता था, 6 केले खरीद देता था। उस वक्त केले 55 पैसे में आते थे, 6 केले 55 या 60 पैसे में केले खरीद के खा लेता था। केले को छीलो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, आप ऊपर का हिस्सा काट के खा लो। अरे यार, डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथों में है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर की दाल रोटी सब्जी और थोड़ा बहुत घी, जो कई कई लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है, नहीं भाई, असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो, वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, बोन्स के अंदर ताकत आती है, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो। सो गाइस, से यस टू घर का खाना।